हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी बरबटी आलू का सब्जी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। बरबटी और आलू की सब्जी बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 500 ग्राम बरबटी को ऐसे लंबा स्लाइस में कट के रखा और एक बड़ा पोटैटो को ऐसे लंबा स्लाइस में कट के रखा, एक बड़ा ऑनियन को लंबा स्लाइस में कट के रखा, टमाटो दो छोटा ऐसे लंबा स्लाइस में कट के रखा। 2 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा और 1 रेड चिली। ऑयल गर्म हो गया, रेड चिली और जीरा ऐड कर दिया। जीरा फ्राई होने के बाद जो ऑनियन लंबा स्लाइस में कट के रखा ऐड कर दिया और 1 मिनट हल्का फ्राई कर लूँगी। जो पोटैटो कट के रखा वो भी ऐड कर देती हूँ। ऑनियन के साथ फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। आलू हल्का सा सॉफ्ट हो गया। अभी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले धनिया पाउडर और टोमेटो को भी ऐड कर देती हूँ। सारे मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बरबटी को ऐड कर देती हूँ। और मसाला आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बरबटी जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, इसके लिए बरबटी को लास्ट को ही मैं ऐड किया। टेस्ट कर ली नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। लो फ्लेम में लीड लगा के और 5 मिनट्स कुक कर लूंगी। बरबटी और आलू अच्छी तरह से बॉयल हो गया। बरबटी आलू की सूखी सब्जी तैयार हो गया। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। गैस बंद कर देती हूँ और प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी बरबटी आलू की सब्जी बन के रेडी हो गया। ये बच्चे लोग को टिफिन में भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत इजी से बन जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।